सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और न्यू दिल्ली से जो है वैकेंसीज निकली है उनके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। और इसकी वैकेंसी की सबसे बड़ी बात यह है कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग के फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो पूरे भारत की नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट और जो नर्सिंग ऑफिसर्स की जो भी वैकेंसीज है उन सभी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, डीएसएसबी और ईएसआईसी की तैयारी हमने शुरू करवा दी है। 3 क्लास जो है ऑलरेडी इस पर चैनल पर आ चुकी है रेगुलरली। शाम को जो है 6:30 बजे क्लासेज आ रही है, तो आप ज़रूर जुड़े 6:30 बजे। और पुरानी क्लासेज अभी तक नहीं देखी तो आप ज़रूर चैनल पर जाकर देखें। चलिए सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में बात करें। एम फॉर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है। चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार हेतु जनपद अलवर, राजस्थान, नई दिल्ली, हरियाणा में जो है नियमित पदों पर संविदा माध्यम से कार्य करने हेतु अभ्यर्थियों की जो है शीघ्र आवश्यकता है। ये नियुक्ति एक निश्चित अवधि की केवल एक वर्ष और उसको बढ़ाया भी जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र, शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ समस्त संलग्न सहित ईमेल करेंगे recruitmentm4@gmail.com या फिर people@m4solution.com.in पर भेजना सुनिश्चित करें। ईमेल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि वो रहेगी 28 फरवरी। 28 फरवरी से पहले पहले जो है आप ईमेल के माध्यम से आवेदन करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को जो है साक्षात्कार हेतु प्रत्यक्ष से सूचित किया जाएगा। उनके साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले उम्मीदवार को चयनित प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर स्टाफ नर्स की एज लिमिट रखी गई है 18 से 37 साल। 121 पोस्ट है। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास जीएनएम का या फिर जो है रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल। कोई भी कैंडिडेट्स हो, पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 42,650 जो है इसकी सैलरी रहने वाली है। फिर जो है नर्सिंग ऑर्डरली की जो है 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट है। 97 पोस्ट है। मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपके पास इन 12th। उसके अलावा जो है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग द ड्रेसिंग वाउंड इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और रजिस्टर्ड नर्सिंग होम और हॉस्पिटल। यानी जीएनए में अभी बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आपने जो है ड्रेसिंग की जो होती हैं एमओटी वगैरह वहाँ पर ड्यूटी तो की होगी, तो 1 साल आप हैंडलिंग कर सकते हैं। 17,100 रुपये इसमें कम सैलरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकल सोशल वर्कर की। तो इसमें जो है आपके पास 18 से 37 एज लिमिट रखी गई है। 3 पोस्ट है। डिग्री डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित, अपन ने नर्सिंग डिपार्टमेंट से संबंधित 2 बड़ी वैकेंसी देगी। स्टाफ नर्स की 121 पोस्ट और नर्सिंग ऑर्डर की 97 पोस्ट। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऊपर जो डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखे हैं वो डॉक्यूमेंट और जो है ये ईमेल आईडी, तो डॉक्यूमेंट्स को जो है ईमेल आईडी पे संलग्न करेंगे यानी कि भेज देंगे, ठीक है, पीडीएफ बनाकर। इसके अलावा नीचे बहुत सारी पोस्ट हैं वो अपन नहीं देखेंगे। डाइटिशियन है, हेल्थ एजुकेटर है। और यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, ऊपर दिए गए नियुक्ति की संख्या जो है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है। प्रिफ्रेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल और हेल्थ सेक्टर। तो गाइज, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले जाकर आप जो है इसकी जो ऑफिशियली जीमेल आईडी दे रखी है उस पर अपना जो बायोडाटा है वो ज़रूर भेजें। और आपको कॉल आ जाएगा या फिर जीमेल के थ्रू मेल आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब है। तो गाइज़, कैसी लगी जानकारी, मुझे तो ज़बरदस्त लगी। जो भी ये फ्री है अभी फ़िलहाल और तैयारी कर रहे हैं वो अपने चैनल पर तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन जॉब करना चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए एक बारी, तो आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर आवेदन करें। कैसी लगी जानकारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम पूरे भारत की नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।